नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है आईएनडी स्पेशल में। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ, और आज बात करेंगे मध्य प्रदेश में अनलॉक को लेकर जो तैयारियां चल रही है, जो बड़ी बैठक चल रही है उसको लेकर। तो आपको बता दें, मंत्रालय में अनलॉक को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जा रही है, गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की अध्यक्षता में यह बैठक लगातार जारी है। बैठक में कैबिनेट मंत्री कमल पटेल, मंत्री मीना सिंह मांडवे मौजूद हैं, इनके साथ ही साथ मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, मंत्री अरविंद भदौरिया भी मौजूद हैं। वही बैठक में राज्य मंत्री हरदीप सिंह डंग और सुरेश धाकड़ भी शामिल हैं। इनके साथ ही साथ एसीएस होम राजेश राजोरा, एडीजी अशोक अवस्थी मौजूद हैं। और ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की अगुवाई में ये महत्वपूर्ण बैठक ली जा रही है। तो कल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान का हमने संबोधन सुना था, मध्य प्रदेश की जनता से उन्होंने आह्वान किया था। इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश में अनलॉक को लेकर जो महत्वपूर्ण जानकारी उन्होंने दी थी, चलिए इस खबर पर सीधा हमारे साथ न्यूज रूम से सीनियर रिपोर्टर शोएब खान हमसे जुड़ रहे हैं। शोएब, महत्वपूर्ण बैठक चल रही है अनलॉक को लेकर, जहां काफी कुछ ध्यान रखा जा रहा है, जिलेवार जानकारियां ली जा रही है, गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा इस बैठक को ले रहे हैं। बिल्कुल विवेक, देखिए जिस तरह से मध्य प्रदेश अनलॉक की तरफ जा रहा है और उसकी प्रक्रिया जो है अब शुरू हो चुकी है। लगातार जिस तरह से बैठकें देखने को मिल रही है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लगातार अधिकारियों के साथ और जो प्रभारी मंत्री उनके साथ बैठकें कर रहे थे। और अगर बात किया गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की, तो उनकी अध्यक्षता में मंत्रालय में एक बड़ी बैठक हो रही है, जिसमें कई जो मंत्री हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। खासतौर से देखिए, अगर कैबिनेट मंत्री कमल पटेल की बात करें तो वो यहाँ पर मौजूद हैं, अरविंद भदौरिया हैं, इसके अलावा महेंद्र सिंह सिसोदिया मौजूद है, एसीएस होम राजेश राजौर और एडीजी अशोक अवस्थी भी यहाँ पर मौजूद है। लगातार देखिए सरकार उस दिशा में पहुंच रही है जहां पर जो कोरोना कर्फ्यू है उसको हटाया जा सके, और साथ ही अनलॉक की जब प्रक्रिया शुरू हो, चरणबद्ध तरीके से इसकी प्रक्रिया शुरू की जाएगी, ताकि कहीं ना कहीं जो जो भीड़ है या कुछ ऐसे आयोजन है उन पर रोक लग सके। और इस वक्त हमारे साथ मनोज जी भी यहाँ पर मौजूद है, हमारे प्रबंध संपादक यहाँ पर है, उनसे भी यहाँ पर बातचीत करेंगे। सर, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अनलॉक की तरफ जो है मध्य प्रदेश पहुंच रहा है। देखिए, अगर पॉजिटिव रेट की यहाँ पर बात करें तो वो भी काफी कम है। अध्यक्षता में गृह मंत्री की काफी बड़ी जो बैठक हो रही है, देखिए बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है मध्य प्रदेश के गृह मंत्री को, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को। वैसे भी गृह विभाग के अंतर्गत ये सारी चीजें आती कि हमें किस तरह से सोशल मीडिया को ठीक करना है या किस तरह से हमें लॉकडाउन खोलने की तरफ बढ़ना है, अनलॉक की तरफ बढ़ना है, तो ये काम गृह विभाग का होता है, क्योंकि लाइन ऑर्डर का काम गृह विभाग का होता है। तो इसीलिए गृह मंत्री को ये जिम्मेदारी सौंपी गई। राजेश राजौरा जो एसीएस है वो मौजूद है, इसके अलावा करीब 8 मंत्री अलग अलग विभाग के मौजूद है, चाहे हम नरोत्तम मिश्रा जी खुद है, मीना सिंह है, कमल पटेल, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह है, महेंद्र सिंह सिसोदिया, अरविंद भदौरिया, हरदीप सिंह डंग और सुरेश धाकड़, ये वो मंत्री है जो मंत्री समूह की कमेटी में रखा गया है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है शोएब कि हमें लगता है कि हम अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं, पर सरकार इस चीज़ को समझ रही है। पहली दफ़ा जब पहली लहर आई, उसके बाद जो कुछ लापरवाही कहें इसको या चूक कहें हुई, और उसके बाद दूसरी लहर बहुत भारी पड़ी हमें, तो अब सरकार ये मान रही है कि तीसरी लहर यदि आती भी है तो उससे पहले जब हम अनलॉक की तरफ बढ़ें तो वो तमाम तरह के उपाय कर लिए जाए, कहाँ कितना छोड़ना है, किसको रोकना है, किस क्षेत्र में शक्ति करना है, किस क्षेत्र में आगे चलकर हमें कुछ चीज़ों को आगे बढ़ाना है। तो कुल मिलाकर आज एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है, हाई पावर कमेटी की बैठक, और उसके बाद ही हम आगे कह पाएंगे, क्योंकि इंदौर भोपाल जैसे जो 5 बड़े जिले हैं वहाँ अभी हमें लग रहा थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल, इंदौर, ग्वालियर, भोपाल और उज्जैन की बात किए तो मध्य प्रदेश में संक्रमण इन्हीं शहरों में सप्ताह देखने को मिला, तो लग रहा है कि बैठक में फैसला हो सकता है इन शहरों में लॉकडाउन जो कोरोना कर्फ्यू हटाया जाएगा या भ्रम की स्थिति अभी रहेगी। देखिए, अनलॉक की तरफ तो बढ़ेंगे जो नजर आ रहा है, लेकिन उसमें कुछ सुधार, मतलब कुछ चीजों को खोला जाएगा, एकदम ऐसा नहीं होगा जैसे बाकी शहर जिन अलग अलग जोन में, जैसा आप जिक्र कर रहे थे रेड ग्रीन और अलग अलग जोन में जो बांटा गया है, तो उसके हिसाब से ये निर्णय लिया जाएगा। लेकिन ये बैठक बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, इसमें सभी को राहत ये मिलने वाली कि जिस किराना या छोटी सब्जी की दुकान है जिसके लिए वो परेशान रहा करते थे और ये तो रोजमर्रा की चीजें हैं, या छोटे छोटे काम करने वाले लोग हैं, तो उनको कैसे हम रोजगार की तरफ भी बढ़ाएं, एक बड़ा चैलेंज है सरकार की तरफ। हालांकि सरकार ने हर वर्ग को कुछ ना कुछ देने
करने का प्रयास किया है, बेसहारा को सहारा दिया है। उसके अलावा हमने ये देखा कि 1-1 लाख रुपए जो मृतक परिवार के लोग हैं उनको देने की बात सरकार की तरफ से कही गई है। तो ये बड़े निर्णय, लेकिन इन निर्णयों के साथ हम आर्थिक स्थितियाँ हमारी कैसी बेहतर कर पाएँ और अनलॉक की तरफ जब बढ़ें तो ऐसा ना हो कि फिर से हम लॉकडाउन की तरफ चले जाएं या जनता कर्फ्यू की तरफ चले जाएं। तो इन तमाम सारे मुद्दों पर आज गृह मंत्री बैठक ले रहे हैं जिसमें 8 मंत्री शामिल है, गृह विभाग के प्रमुख ACS राजौरा शामिल है। तो हमें लगता है थोड़ी देर बाद हम ये कह पाएंगे कि ये निर्णय होने जा रहा है। मनोज, पहली लहर में देखने को मिला था कि जो मंत्री थे उनको इस तरह की जिम्मेदारियां नहीं दी गई थी, प्रदेश स्तर पर ही जो फैसले लिए गए थे, लेकिन दूसरी लहर काफी भयभीत थी मध्य प्रदेश में और अब जो चुनिंदा जो मंत्री हैं उनको जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। देखिए, 8 मंत्री साथ में जो जिस कमेटी में जिनको शामिल किया गया है तो उनसे चूंकि अलग अलग जिलों का उनको प्रभार दिया गया था और ये सब वो मंत्री जिनको बड़ी जगह की जिम्मेदारी, जैसे अरविंद भदौरिया के पास जबलपुर है और इसी तरह हरदीप सिंह डंग है बाकी लोगों को, और ये वो क्षेत्र है जहाँ जिन क्षेत्रों का इनको प्रभारी बनाया गया था वहाँ पर कुछ स्थितियाँ ठीक नहीं रही, मतलब वहाँ पर संक्रमण ज़्यादा दिखाई दिया था। तो इसीलिए इन मंत्रियों के साथ बैठकर आज बैठ के चल रही है और मुझे लगता है कि एक अंतिम निर्णय की तरफ अब सरकार बढ़ने जा रही है। अनलॉक होगा ये बात तय है, लेकिन 5 जिले जिनका हम जिक्र कर रहे हैं हमें लगता है कि वहाँ थोड़ा दिन और इंतजार करना पड़ सकता है, कुछ चीज़ें वहाँ खुलेंगी लेकिन बाकी जिलों में एक बड़ी राहत देने जा रही है। लेकिन काफ़ी समय से जो जनता है वो अपने घरों में बंद है और एक बड़ी चुनौती सरकार के लिए, क्योंकि जबलपुर की तस्वीर हम देख सकें कि जिस तरह से भीड़ मंडी में लगी, तो इस तरह की स्थिति भी मध्य प्रदेश में ना रहे। निश्चित रूप से यही तो है कि एहतियात किस तरह के बरते जाए, यदि जरा सी छूट जबलपुर में दी जाती है तो फिर हम देख रहे हैं कि मंडी में तमाम तरह के लोग उतर आए। अब वो सरकार के सामने चुनौती है, सरकार दरअसल दोहरे मापदंड के बीच जूझती रहती है, एक तरफ जनता के आरोपों को भी उनको झेलना है, यदि कहीं गलती हो जाए तो उसको भी झेलना है। तो कई बार आरोप लगाना बड़ा आसान होता है लेकिन आरोपों को बचना उनसे और फिर एक बीच का रास्ता निकालना, इसीलिए हाई पावर कमेटी तय की गई जिसका नेतृत्व नरोत्तम मिश्रा जी कर रहे हैं, उनके साथ 8 मंत्री बैठे हैं। तो हमें लगता है एक एक बहुत बारीकी से इन चीज़ों पर विचार किया जा रहा है आज, और जैसा आपने कहा कि फर्स्ट लहर के बाद जो लापरवाही जो चूक हुई थी तो इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने कल भी जब बात कर रहे थे जनता को संबोधित कर रहे थे उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमें एक रास्ता निकालना और जनता के लिए जनता के सहयोग से आगे बढ़ना, तो एक मॉडल के रूप में मध्य प्रदेश प्रस्तुत हो रहा पूरे देश के अंदर और उसी मॉडल पर हमें लगता है केंद्र सरकार भी आगे बढ़ सकती है, जिस क्योंकि कल मुख्यमंत्री बार बार इस बात का जिक्र कर रहे थे और उसी मॉडल को कहते बेहतर तरीके से और आगे बढ़ाएं, इस पर नरोत्तम मिश्रा बात। कोरोना ने एक बड़ा नुकसान भी सरकार का कराया, आर्थिक स्थिति मध्य प्रदेश की काफी बेकार हो चुकी है, राजस्व जो मध्य प्रदेश को मिलता था अधिकतर जो विभाग है वो बंद पड़े, तो अनलॉक की स्थिति में जब मध्य प्रदेश आएगा तो हो सकता है कि आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे ठीक हो सके। देखिए, अभी एक रिपोर्ट आई है सोएब जिसमें हमें लगता है कि हम रोजगार के जो अवसर गंवाने की जो बात कह रहे थे तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा स्थितियां खराब नहीं हुई है मध्य प्रदेश की, यानी मध्य प्रदेश ने इस पर भी काम किया है, लेकिन अब सरकार ये चाह रही है कि जो नुकसान थोड़ा बहुत जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, निश्चित रूप से यदि कोई सिस्टम रुक जाता है, लॉकडाउन हो जाता है तो हर तरह की चीज़ें रुक जाती, दुकानें बंद हो गई, रोजगार के अवसर बंद हो गए, छोटे छोटे मेहनत कश लोग हैं उनका काम धंधा बंद हो गया, तो सरकार इसीलिए एक हाई पावर कमेटी बनाई जो हर बिंदु पर विचार कर रही है, वो अपनी रिपोर्ट तत्काल मुख्यमंत्री जी को देंगे, उसके बाद ये तय हो जाएगा कि आखिर और किस तरह से हम अनलॉक की तरफ बढ़ेंगे, क्या क्या हमें कहाँ सख्ती दिखाना है, कहाँ लोगों के साथ सामान्य व्यवहार करना है, तो ये आज निर्णय हमें देखने को मिलने वाले शो। बिल्कुल विवेक, देखिए ये मनोज जी थे हमारे प्रबंध संपादक और बड़ी जानकारी यहाँ पर दे रहे थे, बड़े फैसले आज बैठक में हो सकेंगे और अनलॉक को लेकर जिस तरह से अभी भी भ्रम की स्थिति है कि जो महानगर है, भोपाल की बात हो, इंदौर हो, ग्वालियर हो, उज्जैन हो, जहाँ पर सबसे ज्यादा संक्रमण फैला हुआ, तो वहां को लेकर क्या गाइडलाइन जारी होगी, क्योंकि कुछ मैसेज भी अभी वायरल हो रहे हैं, कहा जा रहा है कि अभी कुछ समय और लगेगा इन महानगरों को अनलॉक करने के लिए, लेकिन एक बड़ी बैठक यहाँ पर ली जा रही है, उस बैठक के दौरान वो बैठक खत्म होगी तो तभी पूरी जो तस्वीर है वो साफ हो सकेगी। बिल्कुल, और जो महत्वपूर्ण जानकारी मनोज सर ने दी कि मध्य प्रदेश के मॉडल की पूरे देश में चर्चा हो रही है, स्वयं पीएम मोदी इसकी तारीफ कर चुके हैं, जो कलेक्टर बैठक हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली ली थी, तो यह माना जाए कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो लगातार कार्य किए थे इसकी सराहना अब केंद्र भी कर रहा है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सराहनीय कार्य तो किया है, क्योंकि देखिए दूसरी लहर में जब स्थिति काफी बिगड़ी हुई मध्य प्रदेश में दिखाई दे रही थी, मध्य प्रदेश उन राज्यों में शामिल हो गया था देश के जहां पर सबसे ज्यादा संक्रमण फैल रहा था, कहीं ना कहीं अस्पतालों की बात हो, निजी हो, सरकारी हो, वहां पर बेड नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं, तो इस तरह की भयभीत स्थिति, मौतों के आंकड़े बढ़ रहे थे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने लगातार अपनी तरफ से जो प्रयास किए वो अब सफल नजर आ रहे हैं और जिस तरह से मंत्रियों को उन्होंने प्रभार सौंपा और खुद हर जिले के दौरे करते
करते हुए नजर आए। हर रोज देखने को मिला कि मैराथन में बैठकें मंत्रालय से वर्चुअल तरीके से वो ले रहे थे और क्राइसिस मैनेजमेंट के अधिकारियों से बात कर रहे थे, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे थे। जहां रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी थी उसको आपूर्ति की जा रही थी, ऑक्सीजन की कमी थी तो उनको वो अस्पतालों तक पहुंचाई जा रही थी और जिसका नतीजा है कि अब जो है जो पॉजिटिव रेट है वो भी काफी कम हुआ। एकमात्र जिस तरह से उपाय कोरोना कर्फ्यू भी यहाँ पर बताया गया तो मध्य प्रदेश में कोरोना जो कर्फ्यू लगाया गया था उसके भी अच्छे परिणाम यहाँ पर देखने को मिले और जिस तरह से हर रोज 11 से 12 हजार मरीज पॉजिटिव मिल रहे थे वो कहीं ना कहीं अब घटकर 2000 ही मरीज बच चुके हैं और अभी भी सरकार का प्रयास है कि संक्रमण को पूरी तरह से यहाँ खत्म किया जाए। एक बड़ा लक्ष्य सरकार अनलॉक की तरफ बढ़ रही है और इसी को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। बहरहाल जानकारी देने के लिए शोएब आपका बहुत बहुत धन्यवाद।